Now is the time to taste my key. वो तो रहने देते हैं। ये मैंने करे हैं आज। अभी मैं बैठी थी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू डॉक्टर तरन व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। और आज जो है अष्टमी है, तो आज आखिरी दिन है नवरात्रि का। तो आई प्रे कि माता रानी आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखी और हम पे भी। तो आज मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह, जल्दी रेडी हो गई हूँ, देख सकते हो आप नहा धोकर, क्योंकि अष्टमी की तैयारी करनी है, सामान बनाना है, कंजक पूजा करनी है हमने। तो उस चीज़ के लिए तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग भी साथ में बनाया जाए। तो मैं साथ में व्लॉग भी बनाऊंगी, जितना हो सकेगा मैं शूट करूंगी, ट्राई करूंगी। और पता नहीं मेरे गले में ना दर्द भी हो रही है कल रात से। कल मैंने पिया है, बाहर से तो कुछ नहीं खाया, कल मेरा फास्ट था, कल कॉफ़ी पिया है, कोल्ड कॉफ़ी। पता नहीं, शायद मुझे लग रहा है कि उसने मेरा गला पकड़ लिया है। तो मैं पानी गर्म करती हूँ, पहले गागल्स करूँगी, उसके बाद सब कुछ सामान मैं रेडी करने के लिए तैयार हूँ। और एम भी उठ चुकी है, वो नहाने गए हैं अब। तो बस हम दोनों फिर रेडी करेंगे सामान, फिर हम एक्चुअली मैं हमारे घर पे तो नहीं आएंगी कंजे, हम ही जाएंगे मंदिर, वहाँ पे जो एक मंदिर है वहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे मतलब बच्चे वगैरह होते हैं, तो वहीं उनको हम सब कुछ देख के आएंगे, कंजे पूजा करेंगे, तो मज़ा आएगा। स्टे ट्यून्ड, पूरी वीडियो को देखना है एंड तक ज़रूर, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मैं जो है फर्स्ट टाइम कंजक पूजा करने लगी हैं, तो मैंने मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि छोटे होंदे आप आ जाते होंगे सके घर कंजक के लिए, एंड हम खुद करने लग गया वो कंजक पूजा। एंड सो मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो मैं सामान बना लेके मैंने बहुत मज़ा होगा। चले बना लगे होंगे, बस नॉर्मल तड़का लगाना है मैं तो, ठीक है, कुछ भी प्याज लहसुन वगैरह का नहीं लगाना। जीरा पा के अपन नमक मिर्च पा लेंगे। तो जी हूँ मैं कड़ाह बना लगी हूँ सूजी का, सूजी मैं रेडी रख ली है, चीनी नाल ड्राई फ्रूट्स घी और पानी मैं उत्थे रख दिता है। तो मैं हूँ लगी हूँ करन शुरू, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती हूँ, शुरू होगी आप। वो तो रहने देते हैं। बड़ी थी तो क्या हो गया, बड़ी थी मोटे, फिर ऐसे होना था। बहुत है इतनी। फिर उतना ही साइज करी जा रहे हो, देखो उतना ही साइज कर दिया फिर से। बताऊं कैसे फुलाऊं आप इसको, मैं बताऊं? फट भी तो गई। कुछ गलत कर रहे हो आप, इसको ऐसे मत डालो पानी, पानी में तेज। मोटे के और कैसे तलते हैं? तो कुछ बताती हूं मैं, तो इतने सालों से ऐसे तल रहा हूं अपने घर। जो मैं तलती हूं तलती हूं, जब मैं उनको देखता हूं लोगों को तलते हुए वीडियो पे, वो भी ऐसे तलते हैं। पर्ची दे दो मुझे। तो फट गई है अभी, ठीक है, ये लो, फट जाएगी अभी। गैस तेज करो मोटे। अब ये मत डालो ऊपर, ऐसे मत डालो। ओके, हाँ ऐसे ऐसे कर करो। पैसे जाके साइड पा दो। सो गाइस, हमने मत्था वगैरह सब टेक लिया, पूजा वगैरह कर ली है, मत्था वगैरह सब टेक लिया। हिंदी च पंजाबी की हुंदी है मेरी, पूजा कर ली है, पूजा पूजा कर ली है हमने। और अब हम जा रहे हैं कंजकों को देने उनका सामान, जो कि है वो पीछे पड़ा। और बस हमें मिल जाए कंजके जहाँ हम जा रहे हैं, हमें लगता है वहाँ तो होते हैं बच्चे, मिल जाती हैं, तो वहाँ मिल जाए बस। और मौसम भी एकदम से पता नहीं क्या हो गया है, धूप आई हुई थी सुबह, और ये
ठंडी जैसा मौसम हो गया अब। ऐसा करना जहाँ पे मट्टे मिलते रहेंगे वहाँ पे देते जाना। ओके ठीक है, हो सकता है वहाँ पे सेवन ना मिले। मिल जाएंगे, वो काफी बच्चे होंगे उठे भज भज के आंदे होंगे ने। अरे होते हैं बट आज क्या पता ना हो ना, लोग ले भी तो जाते हैं घरों पे। तो हमने देना ही है तो जहाँ पे मिलते जाएंगे वहाँ पे देते जाना। ठीक है कर लेंगे ऐसा। चलो फिर और रश बहुत ज्यादा है भाई। मैं खुद स्कूटी पे खड़ी हूँ, जगह ही नहीं मिली। हूँ असं वेट कर रहे हैं ड्राइवर को अग लाने की। बस बहुत रश था भैया, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत बुरा हाल था। हम रावण के पास भी जा पाए लेकिन उसको आग लगा दी है हमने। और मैंने आज पहली बार रावण को सामने से जलता हुआ देखा है अपनी आंखों से, पटाखे पड़ 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 करते हुए। और अब हम जा गए घर, अब मोती सिंह अपने काम पर चले जाएंगे, लेट ही चाहे पर जाएंगे ज़रूरी है। और मैं वही अपना टाइम पास करूंगी जैसे आगे करती हूँ। हाय गाइस, सो देखो मैंने आज क्या किया है, क्या लग रहा है आपको? ये मैंने करे हैं आज हीटलेस कर्ल्स। अभी मैं बैठी थी ऐसे ही तो मेरे दिमाग में आया आज मैंने बाल भी धोए हैं तो क्यों ना ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए। तो इतना वायरल हो रखा है, हुआ था पहले भी काफ़ी, अब तो कम है चलो। तो मैंने सोचा मैं भी करके देखती हूँ हीटलेस कर्ल्स होते हैं या मेरे से नहीं होते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने ये तो कर लिया है बंद और यहाँ पे क्लचर लगा लिया, बहुत टाइट भी नहीं, लूज़ हो ही जा रहा है। पता नहीं कल सुबह तक रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे नहीं पता। और ये देखो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है ये, ठीक है। और मैं एक्साइटेड हूँ इसके रिजल्ट देखने के लिए। ये वाला तो टाइट है, ये लूज़ हो ही जा रहा है, मतलब इसको मुझे दोबारा से टाइट करना पड़ेगा। सुबह तक रह पाएगा कि नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, कल मैंने काम पे जाना है। तो देखूंगी कल ये मेरा कैसे रहेगा, कर्ल्स बनते हैं या नहीं बनते। अगर बन गया तो मज़ा आ जाएगा यार, प्लीज़ बन जाए, प्लीज़ 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 गॉड प्लीज़ 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 बन जाए मेरे कर्ल्स एंड मुझे मज़ा आ जाएगा फिर। हे स्वीटीज, सो आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर। खीर मैं फर्स्ट टाइम बना लेगी अपनी लाइफ च, फर्स्ट टाइम एवर। सो मैं मतलब ना दुध थोड़ा ज़्यादा हो रहा था तो मैं इतने मरते बैठी सी क्योंकि मैंने लगा यार कुछ ना मीठा खाना मन कर रहा है एक्चुअली मेरा। एंड काफ़ी दिनों तो मैं सोच रही थी मैं खीर बनावा बनावा बनावा, तो फाइनली हूँ मैं स्टेप ले लिया। एंड हूँ रात के बजे हैं, 9:30 हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं हूँ सोचा कि हूँ बना लेनी है खीर। एंड मैं हूँ दुध नूं रख दिता है कड़न दे लिए, एंड चावल मैं साइड पर भिगो दिते हैं, ठीक है। एंड उस तो बाद हूँ देखते हैं किदा दी बनूगी खीर यार। आई एम सो एक्साइटेड, आई होप अच्छी ही बने, मैं वधिया ही बनाऊंगी अपने वालों ना, वधिया ही बनूंगी। एंड उस तो बाद मैं खाऊंगी, मैं हूँ रखी है गैस से दूध। मैं जो है ये अराउंड 1 kg दूध, 1 liter दूध है, kg नहीं 1 liter दूध है, किलो किलो या 1 liter दो भी लगा लो, ठीक है। एंड 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 तो चावल मैं थोड़े से अधिक कोली भिगोए ने, तो बस थोड़ा मैं दूसरे लगे की करूँगी हूँ। सो गाइस हूँ दूध जिमें कि अद्धा कड़ चुका है, तो हूँ मैं पा लगी ये चावल जोड़े मैं सोक करके रखे हुए सी। एंड ये पाने बाद फिर हूँ इन रिझावे आप चावलों थोड़े देर तक, मतलब कि पूरे पक नहीं जाते हैं वो तक भर जाने। सो गाइज नाउ इज द टाइम टू टेस्ट माई खीर। ये क्या हो गया, ये तो बहुत गाढ़ी हो गई यार। ये देखो ये तो ऐसे गाढ़ी हो गई है, इसमें मुझे दूध डालना पड़ेगा। और इट्स डन,
दूध हमने डाल दिया और उसमें, और ये बहुत सही बनी है। अब इसको टेस्ट कर, थोड़ा सा गर्म करके ना टेस्ट करते हैं इसको। सो हाय गाइस, हाँ मैं थोड़ा एक बस अपडेट करने लगी हूँ, अपडेट भी नहीं दिखा नहीं अपने हेयर्स नू, क्योंकि मैं जिम्मे कि तुम्हें कल दिखाया सीगा कि मैं हीटलेस कर्ल्स कर रही हैं, एंड मैं सुबह ओपन कर लिया कि वैसे हूँ नेक्स्ट रात हो चुकी है, सुबह ओपन करके मैं काम तो गई सी, अब मैं बाल अपने ओपन करके ही गई सी, एंड मैं हूँ मतलब इदा है कि कर्ल्स अद्धे खुल चुके हैं, मतलब बाल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, देखो मैं दो तीन बार कॉम कर चुकी हूँ इन्होंने शाम की, एंड इस करके बट तुम जिम्मे कि इतने देख सकते हो जिम्मे कि ए वाले कर्ल्स हुए हुए हैं, इदा के ही कर्ल्स से सारे हेयरस के, एंड इतने भी ठीक है ये देखो, बट मैं तुम्हें कहूँगी कि बहुत वधिया हुए सीगे, बहुत मज़ा आया देख के, आ देखो हेलो जिम्मे कि देख रहे हो ना इधर के कर्ल्स से बहुत सोहने सोहने हुए हुए थे, हूँ तो जिम्मे कि अद्धे बाल स्ट्रेट हो गए, आ देखो आ है ना आ एंड इदा दे ठीक है, एंड सो मैं कहूँगी कि वो ट्रिक वर्क की है मेरे ते ता यस, क्योंकि मेरी हूँ कैरा स्मूदिंग हुई हुई है तो बाल मतलब सीधे हो ही जा रहे हैं, एंड सिर्फ ए वाले बच्चे ऑलमोस्ट मैंने बहुत सुंदर लग रहे हैं इदा ठीक है, एंड सो तुम भी ट्राई कर सकते हो, तो ये ट्रिक बिल्कुल कामयाब है कि यार यही दसना सी मैं थोनू।